हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैट टू ऑसम। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है इस दिवाली मीठा खाइए और वजन घटाइए। जी हाँ, जिन लोगों को भी मीठा खाने की क्रेविंग होती है अपने वेट लॉस प्लान के दौरान, तो ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। तो इसके लिए आपको चाहिए लगभग एक कटोरी आलमंड्स यानी कि बादाम आपको चाहिए, आपको एक छोटी कटोरी ओट्स चाहिए, प्लेन ओट्स चाहिए, कोई भी फ्लेवर्ड ओट्स नहीं, आपको लगभग 15 से 20 खजूर चाहिए जो स्टिकी ना हो, 2 टेबल स्पून आपको इसमें चिया सीड्स चाहिए, बड़े टेबल स्पून आपको चिया सीड्स चाहिए, आपको लगभग 2 टेबल स्पून यहाँ पे अलसी के पाउडर चाहिए, रोस्टेड अलसी पाउडर, आपको लगभग 10 से 12 इलायची का पाउडर चाहिए, आपको 2 टेबल स्पून लगभग जैकरी यानी कि गुड़ चाहिए, और 1/2 टेबल स्पून के लगभग आपको दालचीनी पाउडर भी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ खजूर, ये देखिए, आपको दालचीनी पाउडर लगभग 1/2 टेबल स्पून चाहिए। फ्रेंड्स, खजूर में भारी मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको लगभग 7 to 8 अखरोट चाहिए और 30 से 35 लगभग आपको पिस्ता चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी खजूर की। खजूर में भारी मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। एक छोटे से दिखने वाले खजूर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, इसके अलावा यह फाइबर के गुड़ों से भी युक्त होता है। खजूर में विटामिन B1, B2, B3, B5, A1 और विटामिन भी पाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ओट्स को बहुत अच्छे से रोस्ट करना है जब तक वो लाइट ब्राउन ना हो जाए, और मैं इसमें ओट्स इसलिए भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ओट्स में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन बी से भरपूर ओट्स आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और आपको स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी मदद करता है। ओट्स में पाए जाने वाला इनोजिटॉल रक्त में वसा के स्तर को नियंत्रित करता है और उसे बढ़ने नहीं देता है या शरीर में उपस्थित अतिरिक्त वसा को भी कम करता है, और आपको ये बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, मैं इसमें अलसी इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अलसी के बीज में 3 सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। आपको क्या करना है कि ओट्स को पहले अलग रख लेना है, उसके बाद जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हल्के से रोस्ट करना है जिससे कि आपको पीसने में बहुत ही आसानी हो। तो मैं बात करी थी अलसी की। अलसी में 3 प्रकार के मेन सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड, लिग्नन और क्यूसिलेज। इसके अलावा अलसी के बीच विटामिन बी, प्रोटीन, तांबा, मैग्नीज, फास्फोरस, जिंक और सिलेनियम के साथ साथ दोनों घुलन और आघुलन फाइबर से युक्त होता है। तो आपको इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से रोस्ट करके और फिर सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ग्राइंड करना है, मींस एक छोटा मतलब कि बहुत अच्छा सा इसका पाउडर तैयार करना है क्योंकि इसमें गुड़ है और खजूर है तो ये थोड़ा पीसने में बहुत आसानी होगी। तो आपको इसे ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, ग्राइंड करके ऐसा होगा, स्टिकी रहेगा क्योंकि इसमें गुड़ है और खजूर है, तो आपको लड्डू बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप मीडियम साइज़ के इसके लड्डू तैयार करिए। फ्रेंड्स, इसमें बादाम है, तो बादाम के बारे में आई थिंक आप सब जानते हो कि बादाम स्वाद में स्वादिष्ट होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, विटामिन ई, मैग्नीशियम, फाइबर और जरूरी एमिनो एसिड से भी भरपूर मात्रा में होता है। शरीर को कॉपर, विटामिन बी, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन और हेल्दी फैट्स भी प्रदान करता है। तो आपको इसको छोटे छोटे लड्डू तैयार करने हैं और फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। इस दिवाली बना के रखिए, जितना मन हो उतना खाइए, आपका फैट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, यहाँ तक कि आपका वेट लॉस होगा। और ये देखने में थोड़े से आपको अच्छे नहीं लगेंगे लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं, थोड़ा सा क्रंच भी आपको इसमें आएगा क्योंकि इसमें ओट्स है। आप इसे जितना मन हो खाइए, जो लोग वेट प्लान को फॉलो कर रहे हैं उनको भी खिलाइए, उनको भी बताइए। और ये प्रोटीन लड्डू भी हैं, ये विटामिन से भरपूर भी लड्डू हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आती हो, मेरे वीडियोस पसंद आते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जिससे और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो ये मेरी दिवाली की डिश थी जो आपके वेट लॉस प्लान के दौरान आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी दिवाली।